हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए जो चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस बुक से है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 5। अगर प्रेजेंट में देखें तो मे बी नंबर का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट चैप्टर का नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। अब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? एट द ऑफ द सेम एज, जो हमारे आज के टाइम पीरियड का साउथ एशिया है, तो उसको हमने आज डिस्कस करना है। अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले, जैसा कि इसमें टाइटल गिवन है कि व्हाट इज साउथ एशिया, आप साउथ एशिया से क्या समझते हैं, साउथ एशिया आपके अकॉर्डिंग क्या है? तो साउथ एशिया में 7 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है। साउथ एशिया, ये देखिए जैसे इसमें कंट्री मेंशन है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। ठीक है, कई बार ऐसा कह देते हैं कि अफगानिस्तान भी है, म्यांमार भी है, बट चाइना भी चाहे इसी साइड में है, लेकिन उनको भी जो है साउथ एशिया की लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया। बेसिकली 7 कंट्रीज जो हैं दे आर ए पार्ट ऑफ द साउथ एशिया। और आज वन बाय वन इन्हीं 7 कंट्रीज़ की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स इन्होंने कैसा पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो किया है, वो सब का सब हम जाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दिए हैं साउथ एशिया के। अगर नॉर्थ में देखें, साउथ में देखें, ईस्ट और वेस्ट में देखें, नॉर्थ में जैसे हिमालयाज हो जाते हैं और वेस्ट में अरेबियन सी है, इधर ईस्ट में आ जाओ बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में आ जाओ तो इंडियन ओशन है। लेकिन आपको थोड़ा और क्लैरिफाई कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ मैप। अब यहाँ पर आप देखिए, टॉप पे अगर देखें, टॉप पे ये हमारा सारा का सारा हिमालय पर्वत आ जाता है, यानी नॉर्थ साइड में। ये साउथ में आ जाए तो यहाँ पर ये इंडियन ओशन लिखा हुआ है, और जैसा कि ये ईस्ट में मैंने यहाँ बे ऑफ बंगाल लिखा है, तो ये ईस्ट में बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, आप अगर मैप में भी देखेंगे। और इधर से आ जाओ वेस्ट में तो अरेबियन सी आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह साउथ एशिया जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट उसका जो है ज्योग्राफी है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज ऑफ द या अदर कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इन कंट्रीज़ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है। और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि जो भूटान कंट्री है, भूटान लगा लो और म्यांमार लगा लो, उनको भी साउथ एशिया में इंक्लूड किया जाता है समटाइम्स, लेकिन एवरी टाइम नहीं, ऐसा नहीं होता। चाइना को भी कह देते हैं, लेकिन हम लोग तो जो है नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं कि जो 7 कंट्रीज़ हैं यही बेसिकली साउथ एशिया को कंप्लीट करती हैं। और सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फॉलो किया गया। अगर हम सबसे पहले बात करें इंडिया और श्रीलंका की, तो देखिए जब से आज़ादी मिली है भारत में और श्रीलंका में, दोनों जगह पर डेमोक्रेसी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। वो अलग बात है कि जैसे श्रीलंका का प्रेजेंट स्टेटस जो है वहाँ देखें तो बहुत प्रॉब्लम आई हुई है, और ये तो पता नहीं कि आने वाले टाइम में वहाँ पर क्या होगा। बट इंडिया में आज की डेट तक अगर देखें डेमोक्रेटिक वे से सब कुछ हुआ है, तो ये दोनों देश तो जो है डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि टेक्स्ट में ऑलरेडी मेंशन है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की अगर बात करें, वहाँ सिविलियन और मिलिट्री रूलर्स आए हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ है और इवन बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा हुआ है। तो इन दोनों देशों की हिस्ट्री जो है अगर देखें, वो हम डीप में बाद में गो थ्रू करेंगे, लेकिन बाद में बांग्लादेश के अंदर थोड़ा चेंजेस आए और पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड के बाद, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो आज की डेट में है। फिर हम बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल देखिए 2006 तक, अगर नेपाल को देखें 2006 तक वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कि नो डाउट वहाँ पर राजा तो था जो शासन चला रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि राजा की पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल की जाती थी 2006 तक। लेकिन फिर भी राजा के पास तो पावर है, वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट कर सकते थे, कुछ भी ऐसा हो सकता था। तो राजा ने 2006 तक अपना कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन 2008 के बाद वहाँ पर इलेक्शंस या ये कहीं डेमोक्रेसी जो है तब से आई है, और बहुत पब्लिक प्रोटेस्ट के बाद वहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। फिर अगर हम बात करते हैं भूटान की, तो भूटान देखिए 2008 तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहा है, और भूटान में भी जो है राजा का थोड़ा सा रूल रहा। तो हालांकि छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डे बाई डे चेंज होता जा रहा है, जैसे एक क्वेश्चन बाद में आता भी है इसी उसको लेकर। मालदीव की बात करें तो ये सल्तनत रहा है टिल 1968, लेकिन ये वो टाइम था जब 1968 में ही या इस टाइम पीरियड के बाद में ये रिपब्लिक बन जाता है, जिसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है। और फिर 2005 में यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम आ जाता है, कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इम्पोर्टेंस दे दी जाती है या वैल्यू दे दी जाती है। और इसके अलावा फिर आ जाता है यहाँ पर जो MDP है, यानी मालदीवियन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उन्होंने इलेक्शन जीते थे 2018 में। तो अब ये तो हमने यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर गो थ्रू कर लिया, लेकिन
एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि आपको क्या लगता है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं आर दे रियली एस्पायरिंग फॉर द डेमोक्रेसी? क्या वो सच में चाहती हैं कि उनके पास डेमोक्रेसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर जो है हमें मिलता है, जैसे अगर हम देखें कि यस ये कंट्री हैं, जैसे नेपाल को देखें, बांग्लादेश को देखें, कहते हैं यस ऑफ कोर्स, अगर इन कंट्री को देखें तो ऐसा लगता है कि ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा बिलीव किया जाता था जो डेमोक्रेसी है वो पुअर कंट्री में सर्वाइव नहीं कर सकती थी, लेकिन इंडिया ने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सबको दी थी, यानी सभी को जो राइट टू वोट दे दिया था, उसके बाद से लेकर आज तक हम लोग जो है डेमोक्रेटिक वे से ही सर्वाइव कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं है। तो ये तो था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर सबसे पहले आती है मिलिट्री और डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, यानी मिलिट्री और डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान का मतलब क्या है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वहाँ पर मिलिट्री का रूल रहा, फिर डे बाय डे चेंज आया, फिर थोड़ा टाइम पीरियड के लिए बीच में डेमोक्रेसी आती है। वो मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ टाइमलाइन पे दिखाता हूँ ये सब। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान की हिस्ट्री बहुत ही डिफरेंट रही है। यहाँ पर देखिए, पहले जो है, सबसे पहले जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो जनरल अयूब खान आ जाते हैं पावर में। जनरल अयूब खान से जैसे ही लोग डिससेटिस्फाइड हुए, उनके रूल से सेटिस्फेक्शन नहीं थी लोगों को, तो उसके बाद जनरल यहिया खान, यानी जहाँ जहाँ जनरल आ रहा है तो क्या हुआ, मिलिट्री रूल आता रहा। और उसी यानी इनके टाइम पीरियड के दौरान ही यहाँ पर बांग्लादेश क्राइसिस भी हुआ, यानी 1971 की वॉर भी, और इंडिया और पाकिस्तान के साथ यानी वॉर हो जाती है। चाहे क्राइसिस वो बांग्लादेश के अंदर ही था अपनी प्रॉब्लम को, यानी पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ही था, इन दोनों को आपस में जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, लेकिन इंडिया को इंटरवीन करना पड़ा और इसीलिए ये वॉर हो जाती है और इंडिया इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। चाहे इसमें इंडिया की जीत होती है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हम तो दूसरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान की। फिर किसी तरह से 1971 जैसे जनरल यहिया खान के अंडर पाकिस्तान हार जाता है, तो उनके बाद फिर से डेमोक्रेटिक वे से वहाँ गवर्नमेंट आती है 1971 से 1977 तक, जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पीरियड में। फिर एक बार जो जनरल जियाउल हक ने इनको रिमूव किया 1977 से। फिर इसके बाद एक बार फिर से यहाँ डेमोक्रेसी आती है, यानी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है 1988 में अंडर बेनजीर भुट्टो। अब यहाँ पर उनके टाइम पीरियड में अगर देखें जो कंपटीशन था, बेनजीर भुट्टो के टाइम पीरियड में अगर कंपटीशन था तो उनकी अपनी पार्टी के बीच में था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में और साथ में मुस्लिम लीग के बीच में, यानी ये तीन पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कंपटीशन रहा काफ़ी ज़्यादा। फिर उनके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ का आना हुआ 1999, क्योंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो थे नवाज शरीफ उनको हटा दिया था। तो फिर इसके बाद इन्होंने अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट, यानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया 2001 में। तो 2001 में इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया, लेकिन 2008 के बाद वहाँ पर जैसे लोगों ने सोचा और फिर से डेमोक्रेसी की तरफ इनका रुझान हुआ। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ऐसा क्या रीज़न था कि पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं हो सकी, ऐसा क्या रीज़न था? तो इसका जो एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन आ भी जाता है डायरेक्टली, आपको 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या था, वहाँ जो इफेक्ट था या वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था क्लर्जी का। जो क्लर्जी क्या होती है, जो पादरी होते हैं चर्च के जैसे धार्मिक लोग होते हैं, या फिर लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी है, बड़े अमीर लोग भी हैं, वो भी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। फिर दूसरी बात क्या थी, इंडिया के साथ इनकी प्रॉब्लम हमेशा से रही है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से, जिसकी वजह से क्या इन दोनों के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में भी जो प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मिलिट्री को क्या लगता था कि हम लोग जो है अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखें, और मिलिट्री जब स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑफकोर्स कभी ना कभी ऐसा टाइम पीरियड तो आएगा कि वो सोचेंगे कि पावर अपने हाथ में ले ली जाए। और ऐसा बहुत बार होता भी था कि मिलिट्री का कंट्रोल पाकिस्तान में हो जाता था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट। इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर देखें, जैसे अमेरिका की ही बात करें, अमेरिका पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। देखिए, आपको याद ही होगा कि इंडिया ने जो ट्रीटी साइन की थी रशिया के साथ 1971 में, वो सिर्फ इसी वजह से की थी क्योंकि पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का रुझान हो गया था। तो अमेरिका ने जानबूझ के पाकिस्तान में मिलिट्री के रूल को इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि वो एक्चुअल में ये सोचता कहीं ऐसा ना हो कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है थोड़ी वीक होती है, कमज़ोर होती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो जाए बहुत ज़्यादा, और या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ जाएँ, कुछ ऐसा हो जाए, तो इसलिए मिलिट्री का कंट्रोल जो है यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वन ऑफ द रीज़न या कुछ एक रीज़न थे जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं हो पाई। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, आपको फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट दूंगा कल, और कल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, बांग्लादेश और इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है। तो आप इस पार्ट का जो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको ये कैसा लगा,
आज हमने पार्ट वन में थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें देखी हैं, साउथ एशिया क्या है और पाकिस्तान की हिस्ट्री को थोड़ा गो थ्रू किया है। सो आई होप सो इट्स गोइंग टू हेल्प यू लॉट। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।